देखिए अब तो अच्छे देखे। आप मुझसे पूछ रहे हो कि तनु विद मनु कैसा रहा? मैं तो कहूँगी फैबुलस, सुपर, देयर इज नो वर्ड्स फॉर इट। मैं कहूँगी अभी आपकी बारी है, आप लोग देखिए और आप बोलिए कि आपको कैसे लगेगी कल जब आपके यहाँ थिएटर में रिलीज होगा तनु विद मनु रिटर्न। तनु विद मनु वन आपने देखा है मैम, टू में डबल रोल दिया गया है, क्या क्या वो काम करेगा इस बार? इस पिक्चर में तनु विद मनु रिटर्न्स में कंगना दो है, क्यों है इसका कारण भी है। और इस पे आप देखोगे कि हर जगह हम लोग देखते हैं हैप्पी एंडिंग, शादी हो जाती है, बहुत सारी पिक्चरें। उसके बाद क्या होता है, 4 साल के बाद जो हुआ है तनु मनु के साथ, आप लोग देखेंगे तनु एज मनु रिटर्न्स में। तो कंगना की एक्टिंग के लिए क्या कहेंगे, दो नेशनल अवार्ड और तनु एज मनु के बारे में? कंगना के एक्टिंग के बारे में बोलूंगी शायद 3rd नेशनल अवार्ड अवेटिंग है इस बार। क्या लगता है नेशनल अवार्ड मिलने के बाद कंगना का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया होगा? प्रेशर नहीं, अच्छी बात है। जब भी अवार्ड मिलता है ऑलवेज ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है कि और भी बेहतर करूं, और भी नाम कमाऊं। ऑलरेडी तो हो चुका है, 2 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं उन्हें। तो यही चाहूँगी कि 3rd नेशनल अवार्ड तनु विद मनु रिटर्न्स के लिए उसको मिले, तो दैट विल बी वेरी लाइक अ बिग थिंग फॉर अस टू। तनु विद मनु वापस, तनु विद मनु रिटर्न्स, अब क्या बनने वाला है अगर तीसरा बनेगा तो? नहीं, अभी फिलहाल सोचा नहीं है, अभी तनु विद मनु का ही इतना प्रेशर लेके घूम रहे हैं, इनको रिलीज करें फिर देखते हैं उसके बाद। होने वाली थी तनु विद मनु को बोला गया कि सुपर हिट जाएगा, लेकिन पहले ही मतलब सब कुछ चल रहा है तो अच्छी बात है। अगर सब लोग को अच्छा लग रहा है इसलिए तो बोल रहे हैं सुपर हिट जाएगा। अगर लोगों को पसंद नहीं आती होगी तो ऑफ कोर्स बोलेंगे कि यू नो इतना यू मस्ट हैव नॉट हर्ड सो मच अबाउट इट, यू हर्ड बिकॉज पीपल आर लविंग इट टू द कोर। माय फ्रेंड्स एंड माय बॉलीवुड फैमिली एंड एवरीवन हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट। नाउ द रियल ऑडियंस आई एम अवेट टू सी हाउ दे विल एंजॉय। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी तनु विद मनु रिटर्न? यही तो चाहती हूँ कि सारी रिकॉर्ड्स तोड़ें। एज अ प्रोड्यूसर आई वुड ऑलवेज वांट दैट टू हैपन, सो आई एम विशिंग दिस इज आल्सो गोइंग टू शो सम रिकॉर्ड ब्रेकिंग। थैंक यू सो मच। तो मैडम आप चाह रहे हो